देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। दर्शकों, क्या तमिलनाडु भारत का हिस्सा नहीं है? अगर है तो फिर वहां पर जो घटना घटी, जो जघन्य अपराध हुआ है, उसको लेकर कहीं पर भी बातचीत क्यों नहीं हो रही? ये सवाल बार बार हम पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल पर अंकुश लगाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। क्या देश में धर्म परिवर्तन, जो कि जबरन तरीके से कराया जा रहा हो, उस पर सवाल नहीं होगा? क्या उसको सवालों के दायरे में लाना गलत बात है? अगर गलत है तो फिर कैसे है? तमिलनाडु की लवण्या आज भी इंसाफ के लिए तरस रही है, और जब जब हम इस पर बात करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि अरे आप तो सांप्रदायिक कर रहे हैं इसको। अरे हम सांप्रदायिक नहीं कर रहे हैं, हम तो बस सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये जबरन धर्म परिवर्तन का अंत कब होगा? इस जबरन धर्म परिवर्तन की जो सियाही चल रही है, जो कहानी चल रही है, इसको कब रोका जाएगा भाई? इस पर कब बात होगी और इस पर नेता क्यों नहीं बात करते? इसी को लेकर हम सवाल बार बार करेंगे और बार बार पूछ रहे हैं कि कब तक चलेगा यह धर्म परिवर्तन का जो खेल है, आखिर कब तक चलेगा? इसको लेकर सवाल है कि धर्म परिवर्तन का खेल कब तक चलेगा? सख्त कार्रवाई कब होगी? कब होगी सख्त से सख्त कार्रवाई या नहीं होगी? इसको क्लियर रखना चाहिए कि सख्त कार्रवाई कब की जाएगी। इसको लेकर सवाल और भी उठ रहे हैं कि सारे गुनहगार कब गिरफ्तार किए जाएंगे? एक एक को भी गिरफ्तार करना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। सारे गुनहगार कब गिरफ्तार होंगे? तमिलनाडु क्या भारत का हिस्सा नहीं है? इसको बार बार मैं पूछ रहा हूं और पूछ रहा है पूरा भारत कि क्या तमिलनाडु भारत का हिस्सा नहीं है? और हिंदू बेटी थी तो क्या चुप रहना है? इसको लेकर थोड़ा सा क्लियर करना होगा कि हिंदू बेटी थी तो क्या चुप रहना है? और इसमें जो लोग मुझ पर सवाल उठा रहे हैं उनको भी जवाब दूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ जाता है भाई? जबरन अगर आप हिंदू धर्म परिवर्तन करवाते हैं और उसमें अगर किसी की मौत होती है तो इसमें कैसे, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि कैसे हिंदू मुस्लिम आ जाता है? और अगर नहीं पूछना है तो इस पर जवाब दीजिए। धर्मांतरण गैंग पर, पूरे गैंग पर, जी से लेकर और वापस जी तक आने तक पूरे गैंग पर शिकंजा कब कसा जाएगा? कब शिकंजा कसा जाएगा? और मैं सच बोलता हूं कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां के लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि तमिलनाडु की एक बेटी के साथ किस कदर हैवानियत की गई, कैसे उसको प्रताड़ित किया गया। वो महज इस बात की सजा भुगत रही थी कि वो हिंदू थी और ईसाई बनाने के लिए उसे कहा जा रहा था, उसे साफ इंकार कर दिया, सनातन धर्म को छोड़ने से उसे साफ इंकार किया, और इंकार करते ही उसे वॉशरूम साफ करवाए गए, उससे लोगों के कपड़े धुलवाए गए। वहां पर जो वार्डन थी, जिनका नाम मैरी है, उन्होंने उसको प्रताड़ित किया, और आखिर में इस हिंदू बेटी ने फांसी लगाना उचित समझा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट पे देखिए। क्या कोई मजहब धर्म परिवर्तन सिखाता है? तमिलनाडु, हिंदू लड़की को क्यों किया गया मजबूर? लवण्या के नाम पर चुप क्यों है तख्ती गैंग? भाषा की बेड़िया है तो क्या हम चुप रहेंगे? मद्रास हाई कोर्ट की फटकार के बाद हुआ मुकदमा, देश को दहला देने वाली सबसे बड़ी घटना। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु में धर्म परिवर्तन की शिकार एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। आरोप है कि छात्रा को जबरन ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इसका विरोध करने पर जब छात्रा को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा, तब छात्रा ने खुदकुशी करने का मन बना लिया। छात्रा की खुदकुशी करने की कोशिश के बाद उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। 17 साल की यह नाबालिग लड़की तमिलनाडु के तंजावुर में सेंट माइकल गर्ल्स होम में रहती थी। घटना के बाद लड़की का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसे ईसाई धर्म न अपनाने के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और डांटा जा रहा था। Yeah, I'm not sure.
யார் கேட்டது? பேரு ராக்கேல் மேரியா. ராக்கேல் மேரி. வேற என்ன சொன்னாங்க? யார்கிட்ட கேட்டாங்க? அம்மாட்டையும் எப்ப கேட்டாங்க? ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அப்ப மாறாதனால உன்னை வந்து ஒரு உனக்கு வந்து தொந்தரவு. சரி. उसे कमरे को साफ करने के लिए कहा जाता था, उसे टॉयलेट साफ करने के लिए कहा जाता था, जिससे तंग आकर छात्रा ने कीटनाशक दवाई पी ली, जिसके बाद बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है। बयान के आधार पर 62 साल की सकाया मायारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के बाद से लोगों में भारी आक्रोश दिखने को मिल रहा है। ट्विटर पर जहां ट्रेंड चल रहे हैं, तो वहीं लोग जस्टिस फॉर लवण्या नाम से बार बार ये आवाज उठा रहे हैं। तो रिपोर्ट आपने देख ली। रिपोर्ट के जरिए आप समझ चुके होंगे कि किस कदर इस हिंदू बेटी को प्रताड़ित किया गया, किस कदर इसके साथ व्यवहार किया गया, जस्ट बिकॉज शी वॉज अ हिंदू एंड डज नॉट वॉन्ट टू बी गेट कन्वर्टेड। बस इस वजह से इतना सब कुछ उसको झेलना। और जब पूरी घटना हो गई है, इसके बाद भी आज भारत में इसकी बात नहीं हो रही। नेशनल मीडिया इसको लेकर बिल्कुल शांत है। एंड आई एम टेलिंग यू, शेम ऑन यू। आपको शर्म आनी चाहिए कि तमिलनाडु में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद नेशनल मीडिया इस पर शांत है। और ये मिशनरीज, ये ईसाई बनाने वाले धंधेबाज, इनको बल मिल रहा है, इनको ताकत मिल रही है। और जब मैं सवाल कर रहा हूं, तो मेरे सवालों पर बहुत से लोग उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान है, ये सांप्रदायिक है, इसमें मुस्लिम कहां से आ गया, इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया। और मेरे साथ नहीं हो रहा है ऐसा, ऐसा उस मां के साथ भी हो रहा है दर्शकों, जो मां जब अपनी बेटी के लिए, जो बेटी मरने से पहले खुद बोलकर गई कि उसको किस तरह से प्रताड़ित किया गया, उस बेटी के लिए जवाब इंसाफ मांग रही है, तब पूरा गैंग, ये तख्ती गैंग, ये टुकड़े टुकड़े वाले लोग, ये उसकी मां पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। आप इस छोटी सी वीडियो बाइट में देखिए किस तरह से वहां पर जो उसकी मां कहना चाहती है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। यह बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है, क्योंकि कन्वर्जन के नाम पर फंडिंग होती है। ये बहुत बड़ा खेल है, इसको रोकना होगा। धर्म परिवर्तन की दुकान पर ताला लगाना होगा। और किस तरह से उसकी मां को परेशान किया गया, आप इसमें देखिए। துன்புறுத்திட்டாங்க ரொம்பவே. பொண்ணுக்கு மனசு காயப்பட்டு இறந்துருச்சு. எங்க பொண்ணுக்கு நியாயம் வேணும், நீதி வேணும். அந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணா மட்டும்தான் எதுவுமே நாங்க பாடி வாங்குவோம். எங்க பொண்ணே போயிடுச்சு, நாங்க என்ன பண்ண போறோம்? இனிமேல் எங்க பொண்ணுக்கு நடந்தது வேற பொண்ணுக்கு யாருக்குமே எங்கேயுமே நடக்க கூடாது. எங்க பொண்ணாலாம் ஃபர்ஸ்டும் இருக்கணும், லாஸ்டுமா இருக்கணும். எங்க பொண்ணுக்கு நடந்த மாதிரி வேற எந்த பொண்ணுக்கும் இந்த அநியாயம் நடக்க கூடாது. இந்த தமிழ்நாட்டுல, இந்த இந்தியாவில நடக்கவே கூடாது. இதுக்கு நீங்க நடவடிக்கை எடுங்க. இல்ல, மதம் மாற்றம் எத்தனை வருஷமா? மதம் மாற்றம் அதுபடுத்தி எத்தனை வருஷமா? ரெண்டு வருஷமா பண்ணாங்க. அப்பதான் வெளியிடாம இப்ப வெளியிடறதுக்கு எனக்கு அனுப்பணும். காய்ச்சல் பண்ணிய துன்புறுத்தி இறந்துடுச்சு. இது வரைக்கும் அந்த பொண்ணு சொல்லிருக்கா அவங்கள்ட்ட வந்து வேற மதம் மாற்றத்துல இருக்காங்க? மாதிரி சகாய மாரி அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் கைது பண்ணணும். இல்ல, நான் கேக்குறதுமா, உங்களை ரெண்டு வருஷமா சொன்னாங்க. நீங்க போய் ஸ்கூல்ல போய் கேட்டீங்களா, ஏங்க மதம் மாறதுன்னு வருது? என்கிட்ட கேக்குறாங்க, என்கிட்டயும் கேக்குறாங்கல்ல. உங்கள்ட்ட கேட்டீங்க? என்ன சொன்னீங்க? ஏன்னா எனக்கு அவங்களுக்கு சத்தமா போயிடுச்சு. பாப்பா அந்த வருஷம் 10th முடிக்கிறா. கொரோனா லீவுங்கிறதுனால நாங்க டிசிய வாங்கி அடுத்த ஸ்கூல்ல சேர்க்கணும். சரி, ஸ்கூல் ஓபன் பண்ணாதான் சேர்க்கணுங்கிற அஜாக்கிரதையில இருந்துட்டோம். திரும்ப ஸ்கூல் பொங்கல்லாம் முடிஞ்சு ஓபன் ஆனதுக்கு அப்புறம் டிசி போய் ஸ்கூல்ல சேர்க்கலாமான்னு கேட்டுக்க முடியாது. முடியாத கண்டிஷனுக்கு பாப்பா படிக்கணுமே. எங்க ஃபர்ஸ்ட் மார்க் ஸ்கூல்ல 489 மார்க். அந்த பொண்ணுக்கே இந்த நிலைமைனா
இருநூறு மார்க் எடுக்கிறவங்களுக்கு என்ன நிலைமை? பொய்யான தகவல் போலீஸ் எல்லாம் எங்க பாப்பா பேசின வீடியோ இருக்குது, இத வச்சு இது எப்படி பொய்யான தகவல் ஆகும்? देखा आपने किस तरह से उसकी मां को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है ताकि वो कुछ ना बोल पाए, कुछ भी ना बोल सके। और मुझ पर जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस मैटर को अगर मैं उठा रहा हूं दिल्ली से बैठकर, तो मैं इसमें सांप्रदायिक कर रहा हूं, क्योंकि जस्ट बिकॉज इसमें धर्म परिवर्तन ऐसे शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो हिंदू मुसलमान हो रहा है। ये बड़ा घटिया नैरेटिव है, बड़ा घटिया नैरेटिव है। मेरे एक मित्र मुझसे कह रहे हैं कि मैं तो एक धर्म विशेष के खिलाफ हो गया हूं। अरे कैसे? अरे मैं किसी धर्म के खिलाफ कैसे हो सकता? एंड टू बी प्रैक्टिकल, मेरी हैसियत नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं किसी धर्म के खिलाफ हो सकूं, मेरी हैसियत नहीं है, मैं खुलकर बोल रहा हूं। लेकिन हां, मैं हिंदू के खिलाफ, मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलता हूं, मैं ईसाई के खिलाफ बोलता हूं, पारसी के खिलाफ बोलता हूं, सिख के खिलाफ बोलता हूं, जैन के खिलाफ बोलता हूं। अरे भाई, मैं तो भारतीयों के लिए बोलता हूं, समझ जाओ, समझ जाओ, मैं तो यह बोलता हूं। अच्छा एक बात बताइए, एक मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझसे कहा कि संभल आइए, संभल आइए। मैं संभल गया। संभल के एक मुसलमान भाई है तारिक, उनसे मैंने पूछा बीजेपी को वोट देंगे? चुनावी कार्यक्रम कर रहा था, मैंने कहा बीजेपी को वोट देंगे, रिपीट करवाएंगे उनको? तो वो बोले ना भाई, बीजेपी को तो बिल्कुल वोट नहीं देंगे, बीजेपी से तो खतरा है, मुसलमानों को खत्म करने की साजिश है बीजेपी के, तारिक भाई ने कहा मुझसे। मैंने कहा ऐसा किसने कहा आपको, किसने कहा आपको ऐसा? तो बोले वो फाटक वाले जो तौसीफ भाई हैं वो बता रहे थे। मैंने कहा अच्छा। मैं फाटक वाले तौसीफ भाई के पास गया, मैंने तौसीफ भाई से बात की, तो वो बोले कि वो चौराहे वाले सलीम भाई है ना, वो बता रहे थे। मैं दौड़ा दौड़ा सलीम भाई के पास गया, मेरी टीम गई, मैंने सलीम भाई से बात की ऑफ कैमरा, तो वो बोले कि अंदर की बात है, बहुत अंदर की बात है। मैंने कहा कि बीजेपी मुसलमानों को खत्म करने की साजिश कर रही है, इस बात को अगर आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो? तो सलीम भाई कहते हैं कि बहुत अंदर की बात है। मैंने कहा कैसे, बताओ भाई। तो सलीम भाई कहने लगे कि साल भर पहले वो मस्जिद है, मस्जिद उसके एक मौलाना साहब है, उन्होंने ये बात कही थी। मैं मौलाना साहब के पास पहुंच गया, जिद्दी आदमी हूं, मौलाना साहब के पास पहुंच गया, तो देखा मौलाना साहब तो खुद बीजेपी के, और बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महामंत्री हैं मौलाना साहब। चार महंगी गाड़ियां हैं, बंगले में भी तुर्की की कारीगरी है, कपड़ा भी सऊदी अरब का मंगवाकर पहनते हैं, बड़ा बेटा अमरीका में है, बेटी छुट्टी मनाने बुर्ज खलीफा गई है, और मौलाना साहब यहां नेतागिरी कर रहे हैं। खेल समझिए आप, फटा कुर्ता पहनकर इतरा कर घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे फटा कुर्ता पहनकर। अरे भाई, उनको चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए ही नहीं। अगर चाहिए होता तो अभी तक चार बार तुम्हारे घर पर होते, 40 बार तुम्हारे पैरों पर होते। उन्हें वोट इसलिए नहीं चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे मुसलमान भाइयों, बीजेपी को आपका वोट इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी मूछें भी नहीं निकली, जिनकी मूछ नहीं आई अभी तक, रंग बिरंगी पैंट पहनकर जो कहते हैं कि बीजेपी को हरा कर रहेंगे, अरे वही तो बीजेपी को चाहिए भाई, उसी को देख कर तो यादव जी कहते हैं भाई ये बीजेपी को नहीं देंगे तो हम हिंदू किसको देंगे, हमें भी बीजेपी को देखना चाहिए। उसी 14 साल के अक्रम की अकड़ देखकर ही तो गुप्ता जी कहते हैं कि ये बीजेपी को वोट नहीं देगा, अगर अक्रम, ये 14 साल का अक्रम जो भरे चौराहे पर कह रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, उसको देखकर गुप्ता जी कह रहे हैं, बनिया जी कह रहे हैं, बनिया भाई कह रहा हमारा कि ये मुसलमान बीजेपी का एक तरफा विरोध करते हैं तो हम एक तरफा इनका स्वागत क्यों ना करें, इनमें एकता है तो हम में क्यों नहीं है, हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। और पूरा चुनाव पोलराइज, हिंदू बना मुस्लिम, और पूरा चुनाव खुद ब खुद महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था से हटकर हिंदू मुसलमान। और जो मुस्लिम नेता राजनीति में है वो बहुत अमीर है, बहुत धनवान है, रात में विदेशी मटन खाते हैं, कप प्लेट भी इटली से आता है उनका, इटली से आता है कप प्लेट, टोपी भी लाखों की पहनते हैं मियां साहब, क्योंकि लाखों लोगों को रोज टोपी पहनाते हैं राम और रहीम के नाम की, और सिर्फ बीजेपी और मुसलमान
सिर्फ मुसलमान और बीजेपी जाति की राजनीति करने वालों का गुणा गणित बिगाड़ते हैं। भाषणों में ही सही, लेकिन बेचारी मायावती जी दलित दलित करती रहती, दलित दलित करती रही। उधर अखिलेश भैया हमारे यादव यादव करते रहे, यादव यादव करते रहे। उधर हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य साहब मौर्य मौर्य करते रहे, मौर्य मौर्य करते रहे। उधर ओपी राजभर साहब पीला गमछा पहनकर पिछड़ा केवट मल्ला रटते रहे, स्क्रिप्ट रटके बैठी उन्होंने। और दिन दहाड़े 12 साल का एक कोई रैंडम सुहेल भरी मार्केट में यह कह दिया कि भाई हम मुसलमान बीजेपी को तो बिल्कुल वोट नहीं देंगे। और बस सुहेल की बात वायरल हो गई। सुहेल की बात सुनकर 12 हिंदू जातियों के लोग सब भूल गए, राजभर को भूल गए, स्वामी प्रसाद को भूल गए, अखिलेश यादव को भूल गए, हिंदू होने के नाम पर वोट दिया बीजेपी को। ऐसे बीजेपी को वोट चला जाता है, फिर आप कहते हैं कि यादव का वोट कैसे चला गया, बनिया का वोट कैसे चला गया, मायावती जी कहती है दलित का वोट कैसे चला गया। ऐसे चला गया क्योंकि 12 साल का एक अकरम बीच चौराहे पर खड़े होकर कह दिया कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अरे भाई बीजेपी का मैनेजमेंट बहुत शानदार है, मुझे कोई हर्ज नहीं कह, गजब का सिस्टम है बीजेपी का। अरे जाति वाति छोड़ो भाई, छोटी चीज है, सबसे बड़े वोट बैंक पर कब्जा कर लिया बीजेपी। इन्होंने हिंदुस्तान में हिंदू वोट बैंक पर कब्जा कर रखा है और अभी काफी साल तक इनकी धमक रहेगी, काफी साल तक, खुलकर बोल देते हैं। और नुकसान जानते हैं किनका हो रहा है, खामखाम इतरा कर घूम रहे सुहेल का, सलीम का, अकरम का, उस्मानी का, काशिफ का, वसीम का। और फिर रोते हैं कि हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हम अल्पसंख्यक हैं। अरे भाई आपसे अल्पसंख्यक किसने कहा, आप कहां से अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक तो सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, सब समृद्ध हैं, खुश हैं, धनवान हैं। बस मुसलमान जब तक बीजेपी से लड़ना नहीं छोड़ेगा, चुनावी परिपेक्ष में मुख्यधारा में नहीं आएगा, तब तक बेबस रहेगा। तब लोग कहेंगे कि साहब गुजरात याद है ना, मुझसे कह देते हैं काफी मुसलमान भाई मेरे कहते हैं गुजरात देखा था ना, अरे जनाब छोड़िए, आगे बढ़ना है तो इतिहास का बोझा छोड़ दीजिए, वरना आगे नहीं चल पाएंगे। वरना वो फिर कह देंगे कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या हुआ याद है, गुजरात में गोधरा में क्या हुआ याद है, कारसेवकों के साथ याद है, दिल्ली में सिखों के साथ क्या हुआ याद है। अरे सबके पास ड्रामा है भाई, छोड़िए नाटक, मुख्यधारा में आइए। और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए नहीं, किसी के गुलाम मत बनिए। अब तो विपक्षी पार्टियों ने भी आपको मुंह लगाना बंद कर दिया, मुंह फेर लिया है। अब तो सब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, अब तो सबको हिंदू वोट ही चाहिए, तो आप भी संभल जाइए। ये मेरा जवाब था उन लोगों के लिए जो पत्रकारिता पर सवाल खड़े कर देते हैं। जस्टिस फॉर लवण्या कहता हूं, कहता था, कहता रहूंगा, जब से ये मुद्दा आया है इसको बुझने नहीं दूंगा। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, शुक्रिया। देखिए भारत @9 कावेंद्र चौहान के साथ।